कृषि कानून की वापसी की घोषणा पर सभी किसान मोर्चा व वाम दल विजय दिवस के रूप में मना रही है। इस कड़ी में आज अररिया में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जिला सचिव रामविलास यादव व माले नेता मो आजाद आलम के द्वारा संयुक्त रूप से अपने बयान में कहा कि लगातार संघर्षों, बलिदान, लाखों किसान भाइयों की तपस्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यादेश के रूप में लाए गए सभी 3 किसान विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक काले कानूनों को निरस्त करने की फैसले की घोषणा की है, जिससे पूरे देश की जीत ये लड़ाई आजादी की दूसरी लड़ाई रूप धारण कर चुका था, जिसमें 700 से ज्यादा किसान भाइयों की जान चली गई, जिसका हम नमन करते हैं। हम सभी देशवासी प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाना चाहता है कि किसानों का यह आंदोलन न केवल 3 काले कानूनों को निरस्त करने के लिए है, बल्कि सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए भी है। विजय सभा में माले नेता के अलावा अन्य सभी वाम दलों के नेता भी शामिल हुए। हम सब का विजय निकला, एक साथ से चल रहा था आंदोलन, किसान का एक जीत हुआ। अब मोदी जो है कानून को वापस लिया, NSP पे जब तक वह पूरा फंडा नहीं पकड़ा देता है, NSP पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं करता है, तब तक आंदोलन हमें चलते रहेगा, ये जारी रहेगा आंदोलन। ये सरकार अपने हार को माना वो और हम सबको जीत दिया। इसमें किसानों का जीत है, अन्नदाताओं का जीत है, इसमें किसान का जीत हुआ। क्या नाम हुआ? हमारा नाम अभिषेक कुमार, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जिला सचिव।